खराब ना करें। करप्शन का घर बन चुका है केएमसी, आपके एम्प्लॉइज सिर्फ केएमसी में करप्शन करप्शन और करप्शन। हमें फारिग कर दो, मैं 3 साल से मैं फार हो गया, इधर आके प्रसाद पास कर रहा हूं। कौन सा तरीके कोशिश करूंगा मैं, कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं मुझे बताओ। मेरे को खुदा के वास्ते फंड दो या तो हम लोग को गोली मार दो, हम लोग अपने इलाके में नहीं जा सकते, हम फार हो गए। ये सीट पे बैठे हैं, मैं सीट पे कहां 3 साल से मैं तेरा दादा पास करूं यहां पे मुक्ति करा दादा पास। इनको बात कर रहे हैं, इनको बात कर रहे हैं, ये तरीका नहीं। नहीं मैं नहीं बात करता, मेरे लोग भी बाहर खड़े हैं, मेरे को काम दो या तो मेरी ये सीट बात कर रहे हैं। और मेयर कराची वाले हमारा कोई काम नहीं कर रहे भाई, हमारे लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। मेयर कराची, मेयर कराची, मेयर कराची। बल्दिया उज़्मा कराची के आम इजलास ने MQM की जानिब से पेश करदा करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया है कि पेट्रोल पंप मालकान बगैर हेलमेट वाले मोटर साइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम न करें। जब ये कानून अप्रूवल हुआ इसका कि हेलमेट लाजमी करार दिया गया तो ट्रैफिक पुलिस की चांदी हो गई। ये चालान की बुनियाद पर 1,000 रुपए चालान करने लगे तो मेरी आला अकाम से गुजारिश है कि हमारा मकसद चालान वसूल करना नहीं है, पैसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी फ्राहम करनी है। तो वो 1,000 रुपये लेने की बजाय वो 1,000 रुपये का हेलमेट उनको दे दिया जाए, इस तरह वो हेलमेट इस्तेमाल करने लगेगा। और क्योंकि इसको सख्ती से पाबंदी कराने का मकसद यही है कि हमारे लोगों को ट्रैफिक हादसे से बचाया जाए, इसलिए फ्यूल वालों से भी मैं आला अकाम से गुजारिश करते हैं कि जो भी फ्यूल फराहम करते हैं उनको भी इस बात का पाबंद किया जाए कि लोग लापरवाही की वजह से हेलमेट नहीं लगाते। हमें उन्हें मजबूर करना होगा कि अपनी जिंदगी की हिफाजत करें, इसलिए मैं आला अकाम से कहूँगा कि एक कानून पास किया जाए, कानून बनाया जाए कि जितनी भी फ्यूल कंपनियाँ हैं उन्हें इस बात पर पाबंद करें कि बगैर हेलमेट के किसी को भी फ्यूल फराहम ना करें। इस तरह लोगों में एक अच्छी आदत आ जाएगी हेलमेट पहनने की और जो चालान करते हैं वो चालान से लोगों को बचाए। मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत इजलास में एक दूसरी करारदाद जो जमात इस्लामी ने पेश की थी, हुकूमत सिंध से मुतालबा किया गया कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर चालान जरूर किया जाए मगर लोगों को जेलों में न डाला जाए। मेयर कराची ने तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन बेंचों का साथ छोड़कर हिजब इकतदार के साथ बैठने का ऐलान किया और ऐवान को मजीद बताया कि नवाज शरीफ हुकूमत के दौरान कराची के लिए जिस 25 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था उसमें से 10 अरब रुपए के मंसूबों पर काम का आगाज हो गया है। ये नालों का मामला मैं खुद बताते खुद इन सॉल्यूशंस पे एग्री नहीं करता। ये हर साल 50 करोड़ दे दिए जाए और नाले साफ कर दो, इससे नाले साफ कभी नहीं हो सकते। नाले साफ करने का ये सॉल्यूशन नहीं है। जब तक कचरा डिस्पोज ऑफ नहीं होगा नाले साफ नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी से ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। क्योंकि आज हम नाले साफ करें, पैसा बच करें, मशीनों का किराया दें और एक महीने बाद वो ही कचरा फिर नाले में। एग्रीमेंट हमने 1 साल का किया है। देखिए ये बात कहां से सामने आई थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेहरबानी है कि उसने वाटर कमीशन के कहने पे हमें ये अमाउंट रिलीज किया। ये टोटल अमाउंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, 50 करोड़ रिलीज हुए हैं, 70 अभी बाकी हैं। इसमें सिर्फ नालों की सफाई नहीं है, 40 नाले हैं, इसकी सिविल वर्क भी है। इजलास 2:30 बजे दिन के बजाय 3:10 पर शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। इजलास के आगाज में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद जुनेद मिकाती और हनीफ मेमन की जानिब से करारदाद पेश करते हुए कहा गया, आज का इजलास पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों पर बदतरीन दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मैं हक की बात कर रहा हूँ कि जमशेद क्वार्टर में आज लोग नहीं बैठे, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट के क्वार्टर है जब पाकिस्तान बना उसके बाद यही क्वार्टर थे, लोग यहाँ आकर फंसे थे, यहाँ बैठे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है अपने सर के नीचे साए तलाश किए थे, लिहाजा उनके साथ वो शुरू किया जाए।
इजहार किया और ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला वफाक ने हिदायत की है वो क्वार्टर में उसको अलॉटमेंट हो गए। 3 महीने या 2 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम चाहते हैं हमारा हाउस इसमें मुत्तफिक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और तो उनके हकों को दिला जाए। हम आपकी करारदाद की मुखालफत नहीं करते, जैसे आप मुखालफत कराए मुखालफत करते हैं, हम आपकी करारदाद की तारीफ करते हैं कि ज्यादा जो शेख क्वार्टर के लोगों के हकों उनको मिले चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इजलास से खिताब करते हुए शहरियों को खुशखबरी दी कि विफाकी हुकूमत की जानिब से शहर की तरक्की के लिए 10 अरब रुपए वसूल हो चुके, जिनसे तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू हो चुका, जिनमें सखी हसन चौरंगी, 5-स्टार चौरंगी और KDA चौरंगी पर फ्लाईओवर्स की तामीर समेत मंगोपीर और निश्तर रोड, जबकि फायर ब्रिगेड के 2 अरब रुपए की लागत से इंतहाई जरूरी सामान हासिल किया जा रहा है। इजलास में मजमूई तौर पर 12 करारदादों को मंजूर किया गया, जिनमें इत्तेफाक राय से 9 और कसरत राय से 3 करारदादें मंजूर हुईं। इत्तेफाक राय से मंजूर होने वाली एक करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि कानून का एहतराम हर शहरी पर फर्ज है, अगर कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका चालान तो जरूर किया जाए, मगर चालान करने के बजाय लोगों को जेलों में डालना कराची के आवाम पर जुल्म है, जिसकी आज का इजलास शदीद मजम्मत करता है। बल्दिया उज़्मा कराची की हदूद में वाक़ 35 बड़े नालों की सफाई और मुरम्मत के मुआहदात की तौसीक समेत कसरत राय से मंजूर होने वाली करारदादों में अब्बासी शहीद अस्पताल में नए टेस्टों की फीस या चार्जेस की मंजूरी, तजावुजात के खात्मे के लिए किराए पर हासिल की गई मशीनरी के अखराजात की अदायगी की मंजूरी और नौ तामीर शुदा लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फाली और मुजवजा फीस के इजरा की मंजूरी शामिल थी। कि हर साल आप नाला सफाई करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, ये आपकी कैसी प्लानिंग है कि हर साल नाले की सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? आप क्यों इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते कि नाले के अंदर से गप निकाली जाए, नाले के अंदर छत डाली जाए, नाले की साइडों में दीवारें खड़ी की जाए, नाले के अंदर कचरा ना डाला जाए, कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि नालों के ऊपर लोग कब्जा ना करें? आखिर हर साल हम करोड़ों रुपए खर्च करें और क्यों ना हम एक ऐसी प्लानिंग करें कि जिसकी वजह से ये नालों के इस सफाई पर जो करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं कराची की आवाम के खून पसीने की मेहनत और उनकी उम्मीदें हैं कि कराची के अंदर कोई तरक्याती काम होगा। नए पाकिस्तान बनने के बाद भी लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि कराची में कोई तरक्याती काम हो। हम तो अजीब गरीब हाल है कि आपके पास डायरेक्टर लैंड मौजूद है, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मौजूद है और पूरे शहर में इंक्रोचमेंट हो रही है, तो भाई वो तनख्वाह किस चीज की लेता है? डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और इंक्रोचमेंट का एंटी इंक्रोचमेंट का अपना किस चीज की तनख्वाह लेता है कि यहाँ पे तजावजात हैं, यहाँ पर ठेले हैं, यहाँ पे रेड़ियां हैं, क्यों है? उसकी जिम्मेदारी है, अगर उससे नहीं संभलता तो वो छोड़ दे। इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर करमुल्ला वकासी ने कहा कि KMC करप्शन का गढ़ बन चुका है, कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन को रेगुलर और भर्तियां की जा रही हैं। पार्लिमानी लीडर असलम शाह अफरीदी ने कहा कि कराची के लिए जो रकम फराहम की गई है वो खुदा का शुक्र है कि कराची पर ही लग रही है। इजलास से नाहिद फातमा, जोना नकवी, अमाना अफरीदी साहब, खान जस्कानी, अकबर शाह हाशमी, ताजुद्दीन सिद्दीकी, पीर अब्दुल समद, शाजिया मंजूर मुगल, फरीदा अमरीन, तनवीर खान जदून और दीगर ने भी खिताब किया।